हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद है लेक्स सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे एसएसएल और वीपीएन पे। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अपना एसएसएल और वीपीएन कैसे कन्फिगर करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसएसएल के बारे में बताऊंगा, एसएसएल और वीपीएन। वीपीएन यूज़र कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब समझ लें कि आपका ये आपका वैन है, और ये आपका इधर लैंड चल रहा है। क्योंकि इस तरह ही होता है, आपका गवर्नमेंट एक लैंड होता है और एक वैन होता है। ओके, और आप चाहते हैं कि आपके ओवर द इंटरनेट ये सवाल है ISP और इधर आपके सब कनेक्ट है, इधर आपके यूज़र्स बैठे हैं, इधर आउट ऑफ कंट्री इधर सिस्टम है, इधर एक PC है, इधर एक सिस्टम है। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र्स के सिस्टम में, जैसे S1 है और ये S2 है, इस तरह के यूज़र आप चाहते हैं कि आपके आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो, या आपकी कंपनी के यूज़र्स हैं और VPN के थ्रू आपके नेटवर्क में, जैसे आपके फाइल सर्वर को यूज़ करना है, कोई सी भी इनकी रिसोर्सेज है, फाइल सर्वर है इनकी, कुछ समझ लें अकाउंट्स का है, मतलब समझ लें जैसे आपका पेरोल होता है, पेरोल होता है, सब कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ता है। तो उसके लिए हमें VPN क्रिएट करना पड़ता है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये VPNs और SSL कैसे कन्फिगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इधर। ओके गाइस, तो अपना वही 192.168.1.2 ये हम लॉगिन करेंगे इसको एडमिन और पासवर्ड देके, इसमें लॉगिन करेंगे इसको रिमाइंडर लेटर। ओके गाइस, तो इसको ओके करता हूँ। इसको मैं इसका डिस्प्ले सेट कर दूँ एक बार। ओके गाइस, तो ये हमारी 48 आ गई सामने। ओके, तो सबसे पहले हम नेटवर्क्स में आएंगे। नेटवर्क में हम क्या करेंगे, इधर नेटवर्क में इंटरफेसिस में आएंगे। इंटरफेसिस में आप देख सकते हैं मेरे DMZ कनेक्ट है और LAN कनेक्ट है और एक WAN कनेक्ट है। अब मैं एक और पोर्ट इसमें करूँगा जो मेरे VPN यूज़र्स के लिए होगी। ओके, तो इसको मैंने में क्लिक करके ओके, और यहाँ पे एलियास दूँगा, कुछ भी दूँगा, VPN यूज़र्स। ओके, VPN यूज़र्स दूंगा और रोल यूनिफाई। IP इधर दे देंगे हम, IP हम जोन से देना चाहें 10.0.0.0.1/255.255.0, अच्छा सॉरी 0.0। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आईपी देंगे। आईपी देने का 10.10.0.1/255.255.0.0। ओके, तो ये हमने आईपी दे दी। इसमें हम दे देंगे पिंग दे देंगे और SSH दे देंगे और बस। ओके ओके गाइस, तो ये दो चीज़ें हम देंगे इसमें, इसको ओके कर देंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक इंटरफेस कन्फिगर हो गया होगा। पोर्ट 10. ये देखिए VPN के नाम से पोर्ट हो गई। इसको मुझे अनेबल करना पड़ेगा, मैं अनेबल कर दूंगा। ओके, तो अब हमें जाना पड़ेगा VPNs में। अच्छा, सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें यूज़र्स में, और यूज़र्स में आप जाएंगे यूज़र डिफाइंड्स में। इधर देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ गेस्ट है, तो इसमें हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोकल यूज़र, ओके, एक यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र का नाम देंगे हम, जैसे बाहर जो कंपनी कनेक्ट करेगी, जो बाहर से जो यूज़र हमारा कनेक्ट करेगा वो कुछ यूज़र से करेगा, तो उसका हम यूज़र बनाएंगे S1, और यहाँ हम पासवर्ड देंगे। ओके, वो पासवर्ड दिया हमने और इसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, ये 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको अनेबल ले लेंगे। ओके, अनेबल सबमिट कर देंगे। तो ये गाइस देखिए, हमारा ये यूज़र बन गया S1 के नाम से, और अब हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके,
ओके, अब हम एक ग्रुप बनाएंगे इसमें। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप का नाम देंगे हम VPN, VPN यूज़र्स। ओके, VPN यूज़र 48 ही रहेंगे। मेंबर कौन होगा? मेंबर अब हम जो आपके यूज़र हों, जो उनसे भी हों, तो जैसे मैंने S1 बनाया तो मैं S1 को ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये S1 हमारा बन चुका है। ये देख सकते हैं, अब हमारा जो ग्रुप है ये VPN यूज़र्स के अंदर ये S1 का यूज़र आ चुका है। ओके गाइस, तो इस तरीके से अब हम इसको यूज़र बनाया। अब यूज़र बनाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, VPN पे लेंगे। ओके, VPN पे आने के बाद अब हमें तो गाइस अब हम जाएंगे VPN की तरफ। VPN में हम आएंगे SSL VPN पोर्टल। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारा आ रहा है फुल SS। फुल SS में आपका ये होता है कि आपको फुल SS करवाना है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो ये फुल SS आ गया। इसमें देखें इंटरनल मोड जो है वो आप देख सकते हैं, एक डिसेबल है। इसमें अलाउ क्लाइंट ट्रैफिक विद द डायरेक्ट ऑन VPN SSL VPN टनल, जो हमारे क्लाइंट्स होंगे ट्रैफिक के वो डायरेक्ट डिसेबल हो जाएंगे इनमें इंटरनेट। इसमें अनेबल टू बेसिक ऑन पॉलिसी और डायरेक्शन, मतलब इसमें सारी हमारी ट्रैफिक आएगी और जाएगी और डिस्कशन होगा। कन्फिग्रेशन फायरवॉल पॉलिसी विल बी द डायरेक्ट ओवर द SSL VPN टनल। ओके गाइस, तो इसमें आपके अनेबल करवाना पड़ेगा। इसमें आप करवाना चाहे तो इसमें भी करवा सकते हो, डिसेबल करवाना चाहे तो, क्योंकि हमें अनेबल है, हमें अपने यूज़र्स को अपनी लैन की तरफ लाना पड़ेगा। तो लैन के लिए हमें कौन सी आईपी देना पड़ेगी, इधर हमें लैन के लिए हमें देना पड़ेगी। ओके, तो एक हम क्रिएट करेंगे एड्रेसेस जो हमारे लैन के होंगे वो होंगे लोकल लैन। ओके, लोकल लैन देंगे। इधर हम आईपी देंगे इसकी 192.168.168, क्या है गाइस, अच्छा 1.1.0 ही रहने देंगे। ओके, और यहाँ पे हम देंगे 255.255.255। ओके ओके, ये देने के बाद अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखें हमारा ये लोकल होगा, क्योंकि हमें यूज़र्स को क्या लाना है, लोकल के अंदर लाना है, लोकल को हिट करवाना है, लोकल जो हमारी कंपनी के अंदर होंगे उनको। ओके, तो ये हम ये दे देंगे इसको लोकल। ओके ओके, लोकल दिया, इसको हमने क्लोज करा। अच्छा, ये देखें सोर्स ऑफ VPN पूल। अच्छा, इसमें सोर्स जो हमारी VPN चल रही होगी 10 से ही IP देगा ऑटोमेटिकली, जो आपको देनी हो। अगर आप खुद से भी देना चाहें तो खुद से भी यहाँ से IP क्रिएट कर सकते हैं, लोकल लोकल लैन की करवाना चाहें तो लोकल लैन की भी करवा सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो लोकल लैन की मैं ऐड करवा दूँगा एक ऐसी। ओके, इसको हटवा के एक लोकल लैन ऐसी करवा देता हूँ। ओके ओके गाइस, और ये अब आप देखें टनल मोड क्लाइंट्स ऑप्शन आएंगे, इनको हमें करना पड़ेगा अलाउ। पासवर्ड सेव हो जाए, अलाउ द क्लाइंट हो कनेक्टिविटी, और अलाउ द क्लाइंट हो DNS रहने दें। ओके ओके, पोर्ट मैनेजमेंट है इसको, ये सब रहने दें एज इट इज़, इसको ओके कर दें। ओके ओके करने के बाद ये हमारा SS पॉइंट ऑल SS हो गया कन्फिगर। ओके, ये देख सकते हैं ये हमने कन्फिगर कर लिया। ओके, अब हम जाएंगे SSL VPN सेटिंग में। SSL VPN सेटिंग में आएंगे और यहाँ से हम लिस्टेड ऑन द ट्रैफिक ऑन फेस, कौन सी देंगे हम ट्रैफिक को, जो हमने बनाई थी VPN यूज़र्स की। ओके, अब हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी VPN यूज़र की। आप वर्चुअल लैन भी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये मैंने वर्चुअल लैन के तौर पे भी आप बना सकते हैं, वर्चुअल लैन हो तो आप वर्चुअल लैन भी बना सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं ये ऐड करवाऊँगा। अच्छा, पोर्ट आप देना चाहें लिस्टेड पोर्ट जोन सी, आपको पोर्ट सही लगे HTTPS VPN की, VPN की पोर्ट जो देना चाहें आप। ओके गाइस, तो ये हमारी VPN की पोर्ट डली हुई है पहले से। ओके, VPN की पोर्ट होगी, मोड आ गया 10.10.1.HTTP है ये। इसके अगर सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, पढ़ते हैं फैक्टर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ओके गाइस, तो ये रिस्ट्रिक्ट SS है, लिस्ट SS करना चाहें आप, होस्ट देना चाहें तो यहाँ से होस्ट भी दे सकते हैं। ओके, एड्रेसेस देना चाहें तो। ओके ओके गाइस, तो अलाउ द SS फॉर एनी पोर्ट करवाना चाहें, क्योंकि मुझे एनी पोर्ट करवानी है। एनी पोर्ट SS द फ्रॉम एनी होस्ट, होस्ट स्पेसिफिक लिमिट द SS फॉर द स्पेसिफिक होस्ट।
तो गाइस यहाँ पे ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे जो है आपको ये एक्टिव इंटरफेस एक्टिव मतलब कितने देर तक एक्टिव रहे यूज़र उसके बाद डिसेबल हो जाए वो चीज़ है। और यहाँ से आपको तो गाइस ये आपको यहाँ पे इसका सेशन के लिए कितने देर तक सेशन रहे उसका। ओके गाइस तो ये एड्रेस रेंज है, एड्रेस रेंज में हमने स्पेसिफिक करवाई थी, तो स्पेसिफिक में हमने क्या करवाई थी वो मैं आपको बताऊं कि हमने करवाई थी लोकल लोकल लैंड करवाई थी। ओके लोकल लैंड करवा देंगे आप यहाँ से। ओके लोकल लैंड करवा देंगे, आईपी रेंज हमने लोकल लैंड करवाई थी। अच्छा डीएनएस अगर आप देना चाहते हैं स्पेसिफिक तो डीएनएस भी दे सकते हैं, जैसे अगर डीएनएस देना चाहो इधर 8.8.8.8। ओके जो आप देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं 8.8.4.4। ओके ओके तो डीएनएस देना चाहते हैं तो डीएनएस भी आप दे सकते हैं लोकल। ओके अच्छा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मैपिंग, अच्छा ये अब आपको मैपिंग करना परवाने के लिए यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू करेंगे। ओके ग्रुप कौन सा था हमारा, ग्रुप कौन सा हमने करवाया था इसमें यूजर इन ग्रुप हमने वीपीएन यूज़र्स करवाए थे। ओके वीपीएन यूज़र करवाएंगे और पोर्टल का नाम फुल एसेस। ओके फुल एसेस था और इसमें वीपीएन, तो इसको ओके करवाएंगे। ओके और इसको अब हम देंगे यहाँ से पोर्टल को फुल एसेस। ओके इसको ओके कर देंगे। ओके गाइस तो ये अदर में हमारे यूजर्स इन ग्रुप और फुल यूजर्स करने के बाद जो हमने सेटिंग करवाई थी इसको अप्लाई कर देंगे। ओके ओके तो ये हमारा अप्लाई हो गई सेटिंग। ओके गाइस तो इस तरीके से आपको करना पड़वाने की ये एस एस एल वी पी एन क्लाइंट्स हैं हमारे। जब हमारे क्लाइंट्स एस एस एल पे कनेक्ट होंगे इस मशीन इस अदर जब लोकल से कनेक्ट होंगे वो यहाँ पे सारे शो करेंगे टनल इंटरफेस और पोर्ट्स पे। ओके ओके गाइस तो ये इस तरीके से हमें ये पूरी कन्फिगर करने के बाद ये आपका वीपीएन का कन्फिगर हो जाएगा। और फिर आप हमें आपको जो है इसकी पॉलिसी बनाना पड़ेगी। पॉलिसी में आएंगे, फायरवॉल पॉलिसी पे जाएंगे और यहाँ पे आप पॉलिसी बनाएंगे। ओके पॉलिसी की मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि इसकी पॉलिसी कैसे बनाएंगे। वीपीएन का यही तरीका, आपको एस एस एल वीपीएन इस तरीके से कन्फिगर करना पड़ेगा। ओके गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके बताओ।